हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर दिन रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा कोरोना, देश में पहली बार एक दिन में 1,26,000 से अधिक नए केस। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर काफी विकराल होता दिख रहा है। बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस के मामलों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और सबसे अधिक 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। महामारी की शुरुआत से ही अब तक ऐसा पहली बार है जब एक दिन में 1,26,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। मंगलवार को जहां 1,15,000 से अधिक केस सामने आए थे, वहीं बुधवार को ये आंकड़ा करीब 1,26,000 से अधिक हो गया। कोरोना के बढ़ते इस कहर को देखते हुए अब पाबंदियां लौट आई हैं। कहीं लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। भारत में बढ़ते कोरोना केसों के बीच केंद्र सरकार ने आगाह किया कि अगले 4 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण हैं और लोगों को महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने में सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने मास्क लगाने जैसे एहतियात को तिलांजलि दे दी है। दिल्ली से लेकर पुणे तक घरों को लौटने लगे हजारों प्रवासी मजदूर। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए लॉकडाउन की आशंका लोगों के बीच बढ़ गई है। यही वजह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद कई प्रवासी श्रमिकों को दिल्ली छोड़कर अपने मूल स्थानों की ओर जाते हुए देखा गया। दिल्ली में कोविड मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से शहर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस बात की संभावना अधिक है कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी। महाराष्ट्र के पुणे में भी प्रवासी मजदूरों को भी अपने घर की तरफ लौटते हुए देखा गया है। उनके मन में भी लॉकडाउन की आशंका घर कर गई है। वे पिछले साल की स्थिति को फिर से नहीं झेलना चाहते हैं। बीते साल मार्च में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो भारी संख्या में प्रवासी लोग अपने अपने घर लौटने के लिए निकल पड़े। उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, सूरत में भी इसको लेकर अफवाह फैली थी। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।